अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज यास्मीन। मैं आज आलू के स्माइलीज बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और यमी होते हैं। ये परफेक्ट टी टाइम स्नैक्स हैं। चलिए आलू के स्माइलीज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। मैंने 300 ग्राम आलू लिया है। तकरीबन 4 मीडियम साइज के आलू हैं। उसे बॉईल करके उसके ऊपर का स्किन निकाल के उसे अच्छे से मैश कर लिया है। देखिए मैंने ऐसी छन्नी यूज किया है मैश करने के लिए। इस तरह से छन्नी में डाल के मैश कर लिया है, फाइन पेस्ट बनाया है। या फिर आप ग्रेटर से कद्दूकस भी कर सकते हैं। जैसे कैसे भी करके इसे अच्छे से मैश करना है। मैंने यहाँ 2 ब्रेड स्लाइसेस को उसके एजेस कट करके उसे सुखा कर पाउडर बनाया है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, 2 खाने की बड़ी चम्मच। मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबलस्पून। नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। यहाँ रेड चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्ची 1 टीस्पून है। ये मैश करे हुए आलू में ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे हम। कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स, नमक और लाल मिर्ची, ये सब कुछ डाल के अच्छे से आटा लगा लेंगे। अच्छे से गूंद लेंगे आटे को, एक अच्छा डो बना लेंगे। देखिए सारे मसाले डाल के मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। देखिए ऐसा अच्छे सॉफ्ट डो बना है। अब इसके स्माइलीज बनाएंगे इसे रोल करके। अगर आलू थोड़े गीले हैं तो उसे थोड़ा फ्रिज में रख के उसके बाद मसाला डाल के गूंदिए, गूंद के बनाएंगे। देखिए स्माइली बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ मोल्ड्स लिया है। स्माइली राउंड शेप के बनाते हैं। मेरे पास दूसरे भी मोल्ड्स हैं, आपको कौन सा पसंद आता है उससे बनाइए। अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई भी चीज का राउंड ढक्कन लीजिए, लेके कट करके बनाइए। देखिए इस तरह से एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे तेल लगाएंगे, लगा के ये डो को अच्छे से फैला लेंगे। आलू के डो को अच्छे से इवनली एक बड़ी चपाती बना लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से बड़ी एक चपाती बना लिया है। या फिर आप रोलिंग पिन लेके उससे रोल कीजिए। देखिए इस तरह से इवनली एक चपाती बना लिया है। अब एक राउंड मोल्ड लेंगे और सारी चपाती को कट कर लेंगे, या फिर एक राउंड ढक्कन लेके कट कर लीजिए। देखिए ऐसे मैंने सारे चपाती में कट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा आटे को निकाल लेंगे। देखिए ऐसे कुल्फी की काट लीजिए या फिर कुछ भी लेके आंख बनाइए इस तरह से। देखिए एक स्पून लीजिए और उसकी स्माइल बना लीजिए। स्माइल बना लेंगे इस तरह से, स्पून लेके थोड़ा आगे पीछे कीजिए, बनेगा। सारे स्माइली मैंने बना लिए हैं। देखिए मैंने गैस को तेल रखा है और गैस की फ्लेम मीडियम पे है। अब हम चेक कर लेंगे हमारा तेल गर्म हुआ या नहीं थोड़ा डाल के। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके स्माइलीज को डाल देंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए इन्हें टर्न कर लेंगे और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं, अभी इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, क्योंकि ये तेल सोक करते हैं इसलिए टिश्यू पेपर निकालेंगे तो निकलेगा तेल। देखिए स्माइलीज खाने के लिए तैयार है। देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। आप भी इन स्माइली को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने जब आटा गूंदा था तब भी बना के देखा था, वो ज़्यादा ऑयल को सोक नहीं किए थे। जब फ्रिज में रख के बनाया है तो वो तेल बहुत ही सोक करे हैं। तो आप जब आटा गूंदते हैं तभी बनाइए, ये ज़्यादा सोक नहीं करेंगे तेल को। आप भी इन स्माइली को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।